ठीक है, अब जो लोग वो लिखना होगा लिख सकते हैं। कोई चैप्टर बेटा नहीं शुरू करेंगे हम लोग, सबसे पहले आज के दिन इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी शुरू करें। इंट्रोडक्शन में कुछ बातें जो अभी शुरू हमने बताया, कैसे पढ़ना है, कैसे आपको रूटीन फॉलो करना है, ये बेसिक बातें आपको साल भर कंटिन्यू करना है। ठीक, तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, बायोलॉजी में बायोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन सी मेन ब्रांचेज हैं, उस ब्रांच में हम लोग के सिलेबस में एनसीईआरटी फर्स्ट सेकंड में कौन सी ब्रांच पे हमको पढ़ाई करना है, उसको हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में खासकर एकदम से जो नए बच्चों के कभी नहीं पढ़े हैं उनको लिखना है, जिनको आता है कोई बात नहीं। आते हैं बेटा शुरुआत से करते हैं, सबसे पहले बायोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुआ, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी, मैक्सिमम सब लोग को पता होगा बट फिर भी इंट्रोडक्शन तो हम लोग जानेंगे। लेकिन बेटा बायोलॉजी वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो जाने, एक तो बायो वर्ड से और एक है लॉजी। लॉजी मतलब लॉगोस नाम से आता है, देखो। ठीक है, ये दो वर्ड से आया, ग्रीक वर्ड से बन के बना है। ग्रीक वर्ड से आया कहाँ से, ये जो बायो वर्ड है ग्रीक, वहाँ से लिया गया बायो, और बायो मतलब लिविंग बॉडी, बायो मतलब तुम्हें दिख रहा है बेटा, दिख रहा है ना वहाँ से, ठीक, लिविंग बॉडी। और लॉजी कहीं आया, इसका मतलब स्टडी। ये ग्रीक वर्ड से बेटा आया, ग्रीक वर्ड एक था उसमें बायोस लगा था, क्या लिखा है, बायोस, ग्रीक वर्ड से यहाँ से आया। और एक था वर्ड लॉगस, क्या था, लॉगस को ही लॉजी बोलते हैं। तो इतना जानते रहना, कहीं भी अगर ये आए वर्ड तो बायो मतलब सबको पता है लिविंग चीज़ें, जो भी जीवित चीज़ें उनको हम लोग बायो बोल, लॉजी या लॉगस मतलब होता है स्टडी करना, क्या बेटा, स्टडी। तो बायोलॉजी एक ऐसा ब्रांच हुआ साइंस का, साइंस में एक ऐसी ब्रांच जहाँ पे स्टडी आप किसका करोगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। यहाँ से कहानी चालू हुई। ठीक है, तो बायोलॉजी में वही है, बायोलॉजी कैसे शुरू हुआ आपने देख ही लिया। तो बायोलॉजी का मतलब हमने बता दिया बेटा, तो बायोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ एक ऐसी ब्रांच है, शॉर्ट कट लिखेगा हम लोग, अब ये नहीं लिखेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी, इसे हटाओ, इसे कक्षा 12 या 10 वाला डिफिनेशन होता है, आपको शॉर्ट कट लिखना है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज, जानते रहेंगे, बायोलॉजी। इसी के नाम बेटा होता है बायोलॉजी, ये ध्यान देना। ये चीज़ जो ग्रीक वर्ड बियोस या बायो करके रहता है लिखा, बियोस भी कहीं के लिखा हो तो वही लिविंग है। लॉजी है बेटा, लॉजी मतलब ही लॉगस बोलते हैं, इसका मतलब स्टडी करना, क्या हुआ, स्टडी करना, कहीं भी आइए जान लो। इस तरह से यहाँ शुरुआत हुआ है बायोलॉजी की, ध्यान देना। सबसे पहले अगला क्वेश्चन बनता है बेटा यहाँ पे, सुन लेना कि बायोलॉजी शब्द ये नाम कहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे टर्म बायोलॉजी गिवन बाय फादर ऑफ बायोलॉजी नहीं पूछ रहा हूँ, जैसे आपका नाम जो रखा, जो ही नहीं जिसने पैदा किया वही नाम रखा, अक्सर पैदा किए पिताजी, मान लो कहीं कमा रहे थे इधर उधर, मम्मी थी मान लो परेशान रहेंगी, भाई भाई पैदा जब हुए मान लो इतने साल पहले, जो भी हो सकता है, नानी थी हॉस्पिटल में या घर पे, नानी रख लिया, इसका नाम रिंकी रख दो, नानी रख दिया टेम्प्रोरी नाम और वही नाम चलता रहा, अगर रिंकी या कि पापा या रिंकी, मतलब रिंकी चलता रहा, वही चलता रहा। और बाद में फिर नामकरण को चेंज किया जाता है, हो सकता है स्कूल का नाम कुछ अच्छा रखा जाए, जो कि तो जो नहीं जो चीज़ खोजे वही नाम भी रखे, इसलिए यहाँ पर। लेकिन शुरुआत जो है बेटा देखेंगे अभी, टर्म बायोलॉजी शब्द, ये दो तीन बातें हैं फिर कभी नहीं आएंगी। टर्म बायोलॉजी गिवन बाय, ये शब्द कौन दिया, जो फादर कोई और है, नाम कोई और रखा है, बात समझे, इसका मतलब कोई अगर चीज़ खोजी गई है जरूरी नहीं कि उसने वही टर्म भी रखा हो, ये ध्यान देना। टर्म बायोलॉजी गिवन बाय साइंटिस्ट का नाम है लैमार्क, दो लोगों ने काम किया, लैमार्क सब लोग सुने होंगे बेटा, एक और थे साइंटिस्ट का नाम ट्रेवी रैनस। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने चाहिए, बायोलॉजी शब्द का जो निजात हुआ बेटा इन दो साइंटिस्टों की देन है, टर्म बायोलॉजी गिवन बाई लैमार्क एंड ट्रेवी रैनस। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और ख़ासकर ये चीज़ जानते रहो, बिकॉज आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपसे कई लोग आसपास आपके घर में उम्मीद करते हैं, कोई मान लो डिफरेंट जो जीएस वगैरह वाले हैं वो भी पूछ देते हैं, भैया बायोलॉजी शब्द कौन दिया था,
ये चीज़ जरूरी है, नीट में जो आएगा तो हम बताएंगे आपको बेटा जो सिलेबस चलेगा, बट ये बेसिक है, स्टार्टअप है, जानना जरूरी है हम लोग को। देखिए बेटा टर्म बायोलॉजी कौन दिया, लैमार्क एंड दोनों ने मिल के आया एक नहीं, दोनों ने, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार प्रीवियस ईयर AIPMT में जब डिफरेंट एग्जाम होते थे। अगली कहानी, अब बायोलॉजी की बेटा जब शुरुआत हुई बेटा सुनेंगे, शुरू में ढेर सारे साइंटिस्ट होते नहीं थे, बहुत कम होते थे बेचारे जो काम करते थे। तो सबसे पहले सब लोगों ने वेल नोन नाम सुना होगा बायोलॉजी के जनक एरिस्टोटल, नाम सुना है, अरस्तु बोलते हैं कि नहीं, तो अरस्तु नाम सबको पता है। देखो बिकॉज अरस्तु साहब ने ही सबसे पहले बायोलॉजी या जूलॉजी पे काम करना शुरू कर दिया, इसलिए जो पहली बार काम करता है वही फादर बन जाते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन हुआ, अरस्तु। और खास कर बेटा सुना, उन्होंने ज़्यादातर जानवरों पर काम किया, किस पे, और जानवर किस में आते हैं, जूलॉजी, जू मतलब एनिमल, इसलिए अरस्तु को ही फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलेंगे और फादर ऑफ बायोलॉजी। यहाँ से शुरुआत हुआ, तो जानते हैं अरिस्टोटल साहब को बोलते हैं, एक साइंटिस्ट है अरिस्टोटल, तो अरिस्टोटल मैं लिख ही दे रहा हूँ, अरिस्टोटल ऐसे लिखेंगे लेकिन बोलते हैं हम लोग अरस्तु भी हिंदी में, अरिस्टोटल यहाँ लिखेंगे, कार्ल डैच कहलाए हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, इनको बोला जाता है बेटा बायोलॉजी, और ज़्यादातर इन्होंने जूलॉजी पर काम किया, इसलिए अगर बायोलॉजी ना पूछे, जूलॉजी के पिताजी पूछे तब भी मार देना इन्हीं को, बॉटनी के लिए ना मारना। तो अरिस्टोटल ने सबसे पहले स्टार्ट किया, और अगला चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे आपको लिविंग वर्ड के बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो आपको इनका नाम दिखेगा, NCERT पूरा इनका डिटेल थोड़ा बहुत काम लिखा है कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन इन्होंने शुरू किया था। तो फादर ऑफ बायोलॉजी पूछे चाहे जूलॉजी, किसको मारोगे बेटा, किसको मारना है, ठीक है, अरिस्टोटल को ही मारेंगे, बिकॉज अरिस्टोटल ने ही सबसे पहले ये कहानी चालू की थी। तो दो क्वेश्चन आपके काम के, और ये क्वेश्चन ज़्यादा काम का, ये वाला अभी तक हमने कहीं इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, बस ये लिख रहा हूँ जिससे कम से कम कोई आपको बहकाए, पूछे, नया नया आप आए हो अभी तैयारी करने, मान लो कि अब बहुत बायोलॉजी आता, चलो यही बता दो बायोलॉजी शब्द कौन दिया था, कभी कभी खूब पढ़े हो आप जेनेटिक्स, इकोलॉजी, ये सब साइटोलॉजी, लेकिन छोटी सी बात ही मान लो कोई चार लोग मजा देने वाले, भले नीट में ना आए, तो ऐसे लोग आपको कुछ मिल जाते हैं, हर लोग फ्रस्ट्रेट करने वाले, अच्छा बताओ तुम बायोलॉजी टर्म कौन दिया था। तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, ये शुरुआत कहाँ से हुई, कौन से साइंटिस्ट ने नाम दिया था, ध्यान देना, इतना सबको क्लियर है। तो बायोलॉजी टर्म कौन दिया था, लैमार्क एंड ट्रेविर है ना, लैमार्क एंड टफ नाम है, चार बार बोलो, लैमार्क एंड ट्रेविर है ना, कौन से रहना, ट्रेविर है ना, बाकी लैमार्क तो पॉपुलर नाम, लैमार्क एंड ये क्या दिए थे बेटा, टर्म शब्द मतलब नाम दिया, नामकरण, टर्म मतलब नामकरण किया, नामकरण कौन किया, लैमार्क एंड ट्रेविर, ठीक है। बायोलॉजी के फादर कौन है, अरिस्टोटल, इन्हीं को हिंदी में अरस्तु बोलते हैं लेकिन अंग्रेजी में अरिस्टोटल लिखना, मतलब स्पेलिंग अपने आप याद रही है ऐसे अगर हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो। बायोलॉजी के भी जनक बोले गए और किसके, जूलॉजी, ठीक है। अभी हम आते हैं बेटा बायोलॉजी के दो ब्रांच में, इसी तरह से बेटा एक ब्रांच हुई मान लो चलो जूलॉजी, जहाँ पर स्टडी करेंगे एनिमल का, अगली जो ब्रांच है उसका नाम बॉटनी था, और फादर ऑफ बॉटनी जिनको बोला गया थियोफेस्टस, क्या नाम है, हाँ, एक साइंटिस्ट थे निकचेले, तो थियोफेस्टस, इसको हटा रहे हैं, अगली कहानी। तो बायोलॉजी की कैसे शुरुआत हुआ, इंट्रोडक्शन पार्ट में आता है बेटा, आते हैं थियोफेस्टस साहब जो थे एक और साइंटिस्ट, थियोफेस्टस कार्ल डैच, इनको बोला गया कार्ल डैच फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ क्या, बिकॉज ये बेटा वनस्पति विज्ञान पे बहुत ज़्यादा काम किया, पेड़ पौधों पे काम किया, इनका ढेर सारा जिक्र किया है, इनके बारे में समझाया, क्लासीफाई भी किया था, इसलिए थियोफेस्टस को बोला गया है बेटा, जानते रहना, फादर ऑफ जूलॉजी या बॉटनी, हाँ ध्यान दें। इस तरह से दो ब्रांचेज आई बेटा बायोलॉजी की। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे बायोलॉजी के दो भिन्न ब्रांच, यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ बायोलॉजी की, बायोलॉजी हैज़ टू मेन ब्रांच, जानते हैं मैं मेन लिख रहा हूँ, बाकी सब ब्रांचेज बहुत हैं, एक का नाम जूलॉजी, क्या बेटा, और दूसरे का नाम बॉट, इसलिए हम लोगों को दो सब्जेक्ट पढ़ना होता है नीट की तैयारी करके, रहे हैं बायोलॉजी में दो सब्जेक्ट, जूलॉजी प्लस बट, यहाँ पे क्या है टीचर एक ही पढ़ा देते हैं, इसलिए आपको एहसास नहीं होता है, बोलते बोलते
ऐसा लगता है बायोलॉजी केवल बोल देते हैं एक ही सब्जेक्ट, बट ये दो सब्जेक्ट है बेटा। इसीलिए बायो का पोर्शन नीट में ज़्यादा रखा गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के जितना है उतना अकेले बायो है, बिकॉज यहाँ अल्टीमेटली दो सब्जेक्ट अंदर से हैं, जूलॉजी और क्या। और ख़ासकर आधे लोग बच्चे जो होता है उनको बॉटनी बड़ी परेशान करती है, और इस साल पेपर में अगर आप देखोगे आधे लोग जहाँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन था, एनाटॉमी प्लांट एनाटॉमी याद है, चाहे मॉर्फोलॉजी हो प्लांट एनाटॉमी हो चाहे जो भी हो, बॉटनी वाला पोर्शन ही आधे लोग सही से नहीं किए हैं। मान लो जो लोग खास कर सही से अगर पढ़े थे सब ने कर लिया, जो लोग नहीं पढ़े थे सोचते हैं बॉटनी बोरिंग है ये है, तो उनको दिक्कत देता है। बोरिंग कुछ नहीं बॉटनी, बल्कि और मज़ा आएगा पढ़ोगे, जूलॉजी तो है ही, अपने बॉडी में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, इधर उधर पढ़ेंगे आप चीज़ें टिश्यूज लेके, कुछ और जो सिलेबस में रखे गए चीज़ें वहाँ देखेंगे फाइलम में हम लोग। तो जू मतलब क्या होता है बेटा? अरे जू मतलब जानवर होता कि नहीं, और लॉजी मतलब, लॉजी मतलब स्टडी करना। तो जहाँ पे हम स्टडी करें किसका, एनिमल्स के या जानवर का, उसमें जूलॉजी में आएगा। अब बॉटनी में कौन आएगा, जितने प्लांट हैं यहाँ पे, हम यहाँ शॉर्टकट बोल रहे हैं, यहाँ स्टडी ऑफ प्लांट करेंगे हम लोग बॉटनी में, स्टडी ऑफ प्लांट, चाहे वो प्लांट छोटा हो चाहे बड़ा हो बेटा। हर्ब श्रब ट्री कुछ नाम सुना है, हाँ एक अंडर श्रब भी होता है। तो पौधों का स्टडी जहाँ करेंगे उस ब्रांच का नाम क्या होगा, जहाँ पे पौधों करेंगे, और जहाँ पे बेटा एनिमल की स्टडी करते हैं उसका नाम जूलॉजी होता है। तो यहाँ जू मतलब एनिमल ही होता है, लॉजी मतलब स्टडी करना, ऑल ओवर इसका मीनिंग हो गया बेटा स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल्स। हम लोग किस में आएंगे, जूलॉजी में या बॉटनी में? हाँ हम लोग भी स्पेशल जानवर हैं, क्या है हम लोग क्या स्पेशल जानवर हैं, हाँ जानवरों में श्रेष्ठ जानवर हैं, विकास बुद्धि ज़्यादा होगी कि नहीं, हम लोग की थिंकिंग पावर ज़्यादा, अपनी बात को लैंग्वेज में बोल सकते कि नहीं। और जानवर से हम लोग डिफरेंट क्यों हैं, हम लोग भी जानवरों में रखे गए, देखो क्यों डिफरेंट है, इंसान इतना आगे क्यों गया, हम लोग इवोल्यूशन में पढ़ते हैं भाई, हम लोग इतनी आगे क्यों चले आए, इतना ज़्यादा आगे मतलब ह्यूमन क्यों डेवलप कर गया, बिकॉज हम लोग अपनी बात को लफ्जों में कह सकते हैं। लैंग्वेज पावर क्या इवोल्यूशन होने का सबसे बड़ा आगे जाने का रीजन पूछे तो हम लोग बेटा अपनी बातों को लैंग्वेज में बोल सकते हैं, बाकी तो बुद्धि तो है ही ठीक। और कोई जानवर के अंदर ये वर्ड पावर नहीं आया शब्दों में बोलने वाला, और बोलता है आओ देखियो कि नहीं, गाय चिल्ला रहे हो चिल्ला रही है, कुत्ता ऐसे भोंक रहा है, उसका वर्ड क्लियर नहीं है। हम लोग क्या क्यों बढ़ गए इतना आगे भाई, हम लोग में वर्ड मीनिंग वाली जो बात आई ना लैंग्वेज, ये इंसान को बहुत आगे ले गया, बिकॉज हम लोग अपनी बात को लैंग्वेज में बोल सकते हैं। हजारों साल पहले देखो सब जानवर जैसे थे, इंसान भी इधर से उधर करता था, आज मानव याद करो धीरे धीरे कुछ करिश्मा हुआ ऊपर वाले ने किया, धीरे धीरे लैंग्वेज वाली पावर जैसे बना चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलना चालू हो गई, इसीलिए इंसान बहुत आगे चला गया और जानवर कहीं ना कहीं पीछे रह गए, ऐसे हुआ। तो बेटा हम लोग बेटा जानते रहेंगे जूलॉजी में ही आते हैं, इंक्लूडिंग एनिमल्स, ये ध्यान देना, ये बेसिक बेसिक जानते रहेंगे। बायोलॉजी एक बड़ा सा सब्जेक्ट है, इसके दो ब्रांचेज हैं जूलॉजी एंड बॉट, याद है ये दो सब्जेक्ट हुए जूलॉजी बॉट, लेकिन फर्दर इसके सब ब्रांचेज बहुत हैं। अरे पहला साइंटिस्ट जो शुरू किया शब्द कौन दिया, टर्म लैमार्क एंड ट्रेवी, यही पढ़ो एक बार देखो, टर्म बायोलॉजी गिवन भाई लैमार्क एंड ट्रेवी गाइनस, याद रहेगा फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, याद रहेगा जूलॉजी पूछे तो तब भी एरिस्टोटल, बॉटनी थियोफेसस, अभी तो यही पढ़े हो, बायोलॉजी दो बिन ब्रांच हमने बताया, यही बताया है। बाद में बेटा ढेर सारी सब ब्रांचेज भी आई, क्या आई सब ब्रांचेज में बाद में आएंगे, थोड़ा सा आइडिया देखेंगे क्यों एरिस्टोटल को ज़्यादा बोला गया, विकास जानते रहेंगे इनके बारे में, दो तीन बातें यहाँ इसलिए बता रहे हैं, बायोलॉजी शुरुआत में इन्होंने बहुत काम किया। एरिस्टोटल साहब ने जानते रहेंगे अटेम्प्ट इन्होंने शुरू किया बेटा अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, क्या अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत थोड़ा सा बताएंगे बिकॉज ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की कहानी बेटा जानते रहेंगे। इन्होंने सबसे पहले शुरू किया और इन्होंने जो यूज किया बेटा वो देखा खासकर प्लांट के लिए मॉर्फोलॉजी, क्या बेटा इन्होंने देखा जब क्लासिफिकेशन वर्गीकरण चालू किया, क्लासिफिकेशन का हिंदी नाम वर्गीकरण, किसी बच्चों को कोई अंग्रेजी का वर्ड ना समझ में आए पूछ लेगा, अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले, अर्लीस्ट है टी लगा लेना यहाँ पे, अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले शुरुआत
कौन से साइंटिस्ट ने किया? आइंस्टीन। तभी तो फादर बोलते हो जो सबसे पहले काम शुरू करे बेटा, उस चीज़ को स्टार्टअप दे दे, तो इसको हम लोग फादर के नाम से जानते हैं। जैसे सेल वाली कहानी, सेल कौन खोजा था? रॉबर्ट हुक। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी हो गए हमेशा, भले वो सेल मरी थी बेचारे। मेंडल साहब ने जेनेटिक्स चालू किया था याद करो, ग्रेगर जान, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। बाद में और भी साइंटिस्ट आते गए, लेकिन जो शुरुआत करता वही फादर बन जाता है। जानते रहे पूरे बायो में फादर ही है, मदर नाम की चीज़ नहीं है। मदर ऑफ साइटोलॉजी नहीं मिलेगी, मदर ऑफ जेनेटिक्स कहीं नहीं मिलने वाले, हर जगह कौन है? फादर ऑफ, ये फादर ऑफ ही वही मिलने वाला, ध्यान दें। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन शुरू किया बेटा, सुनना। और इन्होंने पौधों को जो क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी। क्या मार्फोलॉजी? देखा बड़ा पौधा है, छोटा है, एक सब्जी वाला है, तो बांट दिया किसमें? हर्ब श्रब एंड ट्री। जानते रहेंगे ही यूज मार्फोलॉजिकल चीज, मार्फोलॉजिकल करेक्टर। कौन सा मार्फोलॉजिकल करेक्टर? मार्फोलॉजी बेटा जिनको ना पता अभी बताएंगे, बाहरी आकार की बनावट, हाँ, एक्सटर्नल अपीयरेंस। मार्फोलॉजिकल करेक्टर फॉर प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन के लिए एंड फॉर एनिमल। कोई बता सकता है एंड फॉर एनिमल के लिए क्या यूज किया? आपकी बुक का है ये, हाँ, आरबीसी का प्रेजेंस एंड एब्सेंट। एंड फॉर एनिमल्स यूज्ड प्रेजेंस ओ आर एब्सेंस ऑफ आरबीसी, प्रेजेंस ओ आर एब्सेंस ऑफ आरबीसी का यूज किया बेटा। किसके पास आरबीसी था, किसके पास नहीं था? इसीलिए बेटा इनको जनक माना गया, बिकॉज कोई बायोलॉजी के बारे में कुछ बताता नहीं था, कैसे जंतु लोग बने कैसे नहीं, इन बेचारे ने शुरू कर दिया। ये बोला जो पौधे थे उनको नाम दिया एक किंगडम प्लैंटी। क्या बोला बेटा? इनके ग्रुप का नाम क्या? प्लैंटी। प्लैंटी एक पौधों का ग्रुप बनाया, सुनना। और पौधों को बेटा तीन भागों में ऐसे बांटा, जो सबसे छोटे थे उनका नाम हर्ब, थोड़ा सा बड़े जो थे झाड़ीदार उनका नाम श्रब, और सबसे बड़े बड़े जो थे और ट्री बोल दिया। ध्यान दें सबका नाम पता हो, ये छोटी छोटी बेसिक बातें सबको आना चाहिए, जिस बच्चों को ना पता हो ये लिख लेंगे। साग सब्जी वाले कौन से? हाँ, साग सब्जी मतलब बहुत छोटे थे, बथुआ है, चौड़ाई हुआ, जो पालक हुआ, देखते हो कि नहीं, छोटे छोटे जो सब्जी वाले पौधे हैं, साग सब्जी वाले, साग सब्जी की तरह जो पौधे होते हैं छोटे, उनको बोला गया ये हर। झाड़ीदार सुने हो कि नहीं? ये तो सुने ही होगे तुम लोग, देखे भी होगे झाड़ी ओड़ी, देखो इसमें खुश हो जाते हो तुम लोग, चलो कोई बात नहीं। हम इसलिए बोल रहे हैं जिससे कुछ ऐसे पौधे हों, बबूल हो, चाहे मेहंदी वाला पौधा, हीना प्लांट देखे, हाँ, गुड़हल किसमें आएगा? इसी में आएगा, मतलब ना छोटा है ना बहुत बड़ा, बीच में रह जाए। रोज गुलाब का पौधा किसमें आएगा? अरे कोई क्वेश्चन पूछ दे, श्रब में है या ट्री में? हाँ, मीडियम में है ना, उसको बथुआ ना समझ लेना, हाँ हाँ, चौड़ाई बीच में आता है बेटा, श्रब में। तो ऐसी चीज़ें कभी पढ़ाई नहीं जाती, देख लेना आप, ये केवल पहले ही दिन पढ़ाया जाता है, जान लेना। ये जो चीज़ें हैं आपको बीच बीच में आती रहेंगी, इकोलॉजी पढ़ाऊंगा, कहीं भी पढ़ाऊंगा, ये वर्ड बहुत मिलेंगे, प्लांट किंगडम में भी पढ़ेंगे आप, ये सब वर्ड मिलेंगे बीच बीच में, एनसीईआरटी में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी मिलेगा। और ये पौधे थोड़े से बड़े होते हैं, ध्यान देना। जैसे बड़े पौधे जो है, बड़े का मतलब ये नहीं कि बहुत मीटर वाला ही, हायर जो प्लांट होते हैं जैसे आम, जामुन, नीम, कटहल, याद है कि नहीं, ये सब ट्री में आते हैं। किस में आते हैं? ट्री। जो बड़े पौधे हैं ये जानते हैं, बड़े पौधे मतलब लंबाई ही केवल मैटर नहीं करेगा, और भी चीज़ें, एक दो चीज़ें जैसे मैंगो हुआ, ठीक है, इमली हुआ, चाहे टमरिंडस भी बोल दें, चाहे जो, नीम हुआ, पीपल, टमरिंडस, टमरिंडस मतलब इमली, टमरिंडस, ETC कर देने जा रहा हूँ बेटा, ये बस समझे रहो, आपको बस ये पूछा ना जाए तब भी आप जानते रहें। बड़े पौधे हर सरप्टिक विकास, इकोलॉजी वगैरह पढ़ोगे बहुत ज़रूरी है। इस तरह से बस इतना बता दो, सबसे पहली कहानी कौन शुरू किया बेटा? एक चीज़ यहाँ टिक कर लेना थोड़ा, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ आरबीसी, ये टिक कर लेना, प्रेजेंस एंड एब्सेंस वाली बात आगे फिर मिलेगी जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही आएगा। ये मैं इनका जिक्र यहाँ क्यों किया जरा बताओ, बिकॉज सबसे पहले शुरुआत कौन किया बायोलॉजी पे? ये फादर थे ना,
इन्होंने काफ़ी काम किया, बट इसलिए इनके बारे में यहाँ बता रहा हूँ, और किसी साइंटिस्ट के बारे में डिटेल नहीं बताएंगे। पौधों को कितने ग्रुप में बांटा जरा बताओ, कितना हर्ब श्रब है। लेकिन जो थियोफ्रेस्टस सुने थी नहीं, थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी थे, उन्होंने एक चीज़ और बोल दिया, हर्ब श्रब ट्री के अलावा अंडर श्रब भी बोल दिया था। हर्ब श्रब के अलावा क्या, ट्री के पहले अंडर श्रब भी लाया, ध्यान दें। चलो ये पौधे वाली कहानी तुमने देख लिया। इसी तरह से जो जानवरों को बांटा गया, एनिमल्स को, एनिमलिया नाम सुना सबने, किंगडम एनिमलिया हम लोग बोलते हैं। देखो यहाँ पे दो कहानी हुआ, जानवरों में भी एनिमलिया में दो ग्रुप बने। और अभी आपको हमने पढ़ाया, जरा बताओ सब लोग, जितने एनिमल थे एरिस्टोटल साहब ने किसके आधार पे वर्गीकरण किया था, किसके आधार, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आर्मिस। इन्होंने देखो बेटा इस तरह से बांटा, दो तरह से ग्रुप बनाया, बहुत ध्यान से देखना एनिमलों का। एक का नाम एनिमा कुछ याद करो, वेरी गुड। दूसरा क्या था, ई नेमा। ये वर्ड आपकी एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, लेकिन जब चैप्टर आप पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो वहाँ पे थीरी लिख रखा है, और क्वेश्चन नीट का प्रीवियस ईयर का टॉप फाइव ईयर में आया। तो किंगडम एनिमलिया में जानते रहेंगे बेटा, जो जानवर रखेंगे सब के सब एनिमल, कितने, ये सब के सब ऑल एनिमल्स, सभी एनिमल्स के ग्रुप को बोला गया किंगडम एनिमलिया। और इसको डिवाइड किया गया, एरिस्टोटल साहब ने ये देखा सभी जानवर बेचारे ये काटे होंगे, बड़ा पाप लगाया होगा इनको, इन्होंने चेक किया आरबीसी है कि नहीं, प्रेजेंट और अब्सेंट। सुनना, जिसमें आरबीसी अब्सेंट था उसका नाम क्या बोला, ए नहीं मैम, बस यहाँ पे धीरे छुआ के लिख देना ब्रैकेट में, आरबीसी अब्सेंट या प्रेजेंट, आरबीसी इसमें अब्सेंट था, चाहे आगे लिख सकते हो आप। ई नहीं में क्या हुआ, आरबीसी। अब आपको मैं बता दूं, जो बच्चे एकदम से कभी सुने ना हो नाम, तो बेटा ई नहीं का हिंदी भी ई नहीं ही होता है, कुछ ऐसे वर्ड होंगे आपको इसका हिंदी वर्जन भी वही नाम है, खासकर जो एकदम नए इंटर वाले पास हुए बेचारे, जहाँ टफ होगा हम उसका हिंदी वर्जन जरूर बता देंगे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड बायो में रहेंगे उसका नाम वही रहेगा ही रहेगा। तो ई नहीं अगर पूछो सर इसका हिंदी बताओ, इसका हिंदी हम ही नहीं बता पाएंगे, बिकॉज ई नहीं बोलते ही हैं, याद रहेगा ऐसे वर्ड होते हैं, ध्यान दें। तो ई नहीं का मतलब समझे रहना, ऐसे जानवर रखे गए उसमें क्या पाया गया, जरा इतना आरबीसी प्रेजेंट है एब्सेंट, और जिसमें एब्सेंट था उसका नाम, ये तो बहुत आसान लग रहा होगा, बिकॉज आप देख सकते हो ए फॉर एब्सेंट है प्रेजेंट, ए से एब्सेंट है, क्या एब्सेंट, आरबीसी एब्सेंट, और जिसमें आरबीसी पाया गया उसका नाम ई नहीं, और ये आपके बुक में ई आरबीसी प्रेजेंट एब्सेंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में लिखा है पहले ही पेज पे, एरिस्टोटल की बात, और ये आपका नीट का टॉप फाइव ईयर का क्वेश्चन बन चुका है। ये चीज़ आगे आएगी, अभी अभी तो इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी में, चूँकि एरिस्टोटल ने बहुत काम किया था इसलिए। अब ये पूरी कहानी का जो काम हुआ बेटा किसके द्वारा किया गया, भाई एरिस्टोटल, कौन किया, एरिस्टोटल साहब ने ये कहानी किया। एरिस्टोटल साहब ने जितने जानवर थे उनको एनिमलिया वर्ड समझो ऐसे बांटा, ए नहीं है ई नहीं, और पौधों क्या बोल दिया, प्लेंटी प्लेंटी हर्ब सब ट्री, ये जानते रहे। लेकिन जानवरों वाली कहानी हमने और भी बड़ा आपको बताते हैं कैसे कहानी चल रही, ध्यान देना। नीचे वालों में मिटा दो, समझ गए होंगे सब लोग, प्लांट के ग्रुप का नाम क्या होता है बेटा, प्लेंटी। प्लेंटी को की तीन भागों में, हर्ब श्रब ट्री, ये बेसिक चीज़ें हैं जानते रहो। पौधों को हर्ब श्रब ट्री बोला, अंडर श्रब नहीं बोला था, जान देना, अंडर श्रब किसी और ने बोला। एनिमल पे अभी यही रुके नहीं, इन्होंने कहानी और देखा, इनके मन में थोड़ा लालच बढ़ते चला गया, अब ये थोड़ा धीरे धीरे फादर बन गया है ना, फादर ऑफ बायोलॉजी हो गए, ये विज्ञान के पिताजी पितामह कहला रहे हैं ये समझो। अब इनका माहौल ठीक ठाक चल रहा है, अब ये पूरा दुनिया में राज कर रहे हैं, छा रहे हैं, एरिस्टोटल साहब ने बहुत बड़ा काम कर दिया, ठीक है। अब देखा इन्होंने जहाँ जहाँ खून पाया गया उनके खून लाल थे आरबीसी की वजह से, पूरा नाम क्या, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसल, आरबीसी है तो इस जानवर के ग्रुप का नाम ही नहीं, आरबीसी एब्सेंट तो एन, चलो एब्सेंट है, उसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया जाता, चल बे खून है ही नहीं, इसका खून सफ़ेद है कोई मतलब नहीं रह गया, जिसका खून लाल था तो लहू लग गया, कुछ याद है कुछ ऐसा ना, लहू जो मुंह में लग गया क्या हो गया, कुछ ऐसा है कोई का? तो इनके मुँह देखो खून लग गया। और इसको रिसर्च करते करते इन्होंने एक और रिसर्च कर दिया, अब बोला ऐसे जानवर जहाँ आरबीसी पाया गया उसमें देखा दो तरह के पाए गए,
एक अंडे देने वाले और एक बच्चे देने वाले, ये तो आपको खूब पता ही होगा, अच्छे से इंटर में खूब पढ़े होंगे हाई स्कूल में, ओवी पैरासाइन। जो अंडे देने वाले थे उसका नाम, वेरी गुड बेटा, ओवी पैरस बोल दिया। अब वीवी नाम है तो बच्चे देगी वीवी पैरस, मतलब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे जोर जा रहा है, ये ध्यान प्रोनाउंसिएशन ही यूज करो। आ से अंडा, ना से देखो आ से नमो, इसका अंडा गोल गोल दिखो है भी, एग लेइंग, कौन से, ये ऐसे जानवर थे एग लेइंग, लेइंग का मतलब देने से, अंडा सेना जानते हो वही है, एग लेइंग एनिमल्स का नाम बेटा बोला गया, ये ध्यान, लेइंग का मतलब देना है, चाहे आप गांव की भाषा में अंडा सेना बोलते हो जो वही है, देव सेना नहीं अंडा सेना, वो अंडा देते थे, उनका नाम ओवी पैरस है। अगर तुम लोग खुद ही बताओगे अंडे देने वाले जंतु का अगर हम एग्जांपल पूछे, हालांकि मैं बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में इसका डिटेल चलूंगा, कौन आएगा, रेप्टाइल आएगा कि नहीं, रेप्टाइल्स आएंगे, बर्ड्स आएंगे, चिड़िया हूँ कौआ हूँ, जितने बर्ड्स ग्रुप है किसमें आएंगे, इसे फिशेज आएंगे कि नहीं, फिशेज भी रखी गई बेटा, एक आध ग्रुप कुछ वीवी पैरस तो करती है लेकिन इसमें भी आते, फ्राग किसमें आएगा, वो भी पैरस, ऐसे जानते रहे यहाँ तो सबको पता होगा, अंडे देने वाले कम से कम चिड़िया वाला ग्रुप एवीज तो सब जानते हो, रेप्टाइल नाम सुना रेंगने वाले, ये सब ग्रुप इसी में आते हैं। आगे मैं एग्जांपल लिखूंगा अभी यहाँ पे, बस चार्ट आप फॉलो कर लो। वीवी पैरस में हम लोग आएंगे कि नहीं, कौन आएंगे, हाँ ऐसे एनिमल आएंगे जानते रहेंगे, दे प्रोड्यूस यंग वंस, क्या बेटा, ऐसे जानवर को रखा गया इस ग्रुप में, दे प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस में पैदा करते थे यंग वंस, यंग वंस का मतलब नवजात शिशु, क्या नाम है, यंग वंस, जो बच्चे पैदा करते थे, नवजात जो नए नए बच्चे आप देखिए मार्केट में लॉन्च होते हैं, हाँ वही, ये नवजात शिशु हैं, यंग वंस का मतलब इनकी बॉडी जो होगी एडल्ट के सिमिलर होगा लेकिन ये छोटे होते हैं, इसलिए ये अंतर दिखा दो। ये छोटा सा क्लासिफिकेशन आपको समझ में आना चाहिए और बाकी आपको समझ में ये भी आएगा, हम लोग किस में आते बेटा सबके सब वीवी पैरस में, इसका एग्जांपल सभी जानते रहेंगे, आल मैमल्स, सभी मैमल्स यहाँ पे आते हैं, एग्जांपल मैं कर दूँ तो ये मैमल्स का ग्रुप मिल ली, सब के सब वीवी पैरस में हम लोग, बाकी ऊपर वाले ग्रुप में हमने बोल ही दिया, दो ग्रुप अगर हमको लिखना हो इसका एग्जांपल ऊपर वाले में बेटा, तो बर्ड्स आएंगे कि नहीं, सभी बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस वगैरह भी आते हैं, ETC जगह नहीं है एक्सेट्रा, बाकी डिटेल जब चले। तो इस तरह से बेटा बायो की शुरुआत हुई, ब्रांच होती चली गई और यहाँ पे शुरू में आप देख रहे हो खुद ही एक साइंटिस्ट बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उनका नाम क्या था, एरिस्टोटल, इसलिए एरिस्टोटल कितना नाम हुआ, इतना ज़्यादा नाम हुआ, पूरा का पूरा इनको फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी जो भी पूछे दोनों मारते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी क्यों बोला गया, बिकॉज एनिमल पे ज़्यादा काम किया, प्लांट में एनिमल पे ज़्यादा काम किया, दैट्स वाई इनका नाम फादर ऑफ जूलॉजी है, लेकिन बायो की शुरुआत कौन किया, इन्हीं साहब ने, इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हो, शुरुआत किया ठीक है लेकिन ज़्यादातर काम जानवरों को किया ज़्यादा, इस वजह से इनका नाम फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलेंगे। एरिस्टोटल साहब की कहानी के अनुसार हमने किंगडम एनिमलिया या एनिमलिया मतलब जानवरों के ग्रुप को डिवाइड किया। एक बार अटेंड बेटा ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, अब देखो यही रिकॉल है, अभी थोड़ी देर पहले मैं जो बोल रहा था रिकॉल पावर यही है, अब जो खासकर जो नए बच्चे हों उनको वही रिकॉल का मतलब बताऊँ, ये चीज़ मैं यहाँ से मिटा दूँ, आपके मन में ये चित्र छपना चाहिए कि कैसे इन्होंने एरिस्टोटल साहब ने एनिमल्स को डिवाइड किया था, छप रहा होगा थोड़ा बहुत, वही चीज़ मतलब एनिमलिया है तो दो ग्रुप बताओगे मन में अपने क्या चला एनिमाइन, यही छपना होता आपके दिमाग में, ऐसे चलेगा एरो बना के, इससे लिख के पढ़ने से यही फायदा होगा, जब आप बड़ी बड़ी साइकिलें बड़े बड़े टफ चैप्टर आपको बहुत आसान लगे। एनिमा मतलब आरबीसी एब्सेंट है, प्रेजेंट एब्सेंट, प्रेजेंट है तो याद है, फिर एनिमा दो ग्रुप बताओ, वो भी पैरासाइन, हाँ भाई जहाँ आरबीसी पाया गया उनमें फिर से दो ग्रुप है बेटा, अंडे देने वाले के नाम वो भी, बच्चे देने वाले के नाम कभी भूलेगे आ से अंडा, हाँ आ से स्पेलिंग ही चालू, आ से वो भी, अब वैसे बच्चा, बस बीवी पैरस याद रहेगा, बस बीवी, हाँ याद रहेगा। अब यहाँ बच्चे देने वाली बात ना करना, बहुत काम होती है, वही नहीं कि एक ही काम है, हाँ कभी सोच रहे बस बीवी बस बच्चा, अरे वही काम थोड़ी, बीवी को काम बच्चा पैदा करना है, ये गंदा गंदा फील होता है, बस इतना रह रहा हूँ, आ से अंडा है और बस से बच्चा है, ऐसे आपको याद होना चाहिए। दे प्रोड्यूस यंग वंस, यंग वंस ध्यान देंगे आप, यंग वंस ही लिख के आएगा, बच्चा नहीं लिख के आएगा, चाइल्ड, चाइल्ड नहीं बोला जाता है, बिकॉज सबके नाम अलग अलग हैं,
पहली साल का जो बच्चा होता है एक साल, उसका नाम इन्फेंट, याद है ना। फिर धीरे धीरे चिल्ड्रन की स्टेज अलग होगा, फिर एडोलेसेंट होगा, अलग अलग कहानी चलती। ये कहानी जो चालू हुई बेटा, जनरल इंट्रोडक्शन लगभग एंड हो चुका, ध्यान देना। बायोलॉजी की मेन दो ब्रांच याद है, जूलॉजी एंड बॉटनी। सब ब्रांचेस देखो कैसे बने, सब ब्रांचेस बहुत है बेटा। बायो में जो सब ब्रांचेज हैं वही हम सबको चैप्टर वाइज पढ़ने, ये सब लिखा हमने। अल्फाबेट की अगर बात किया जाए, अल्फाबेट में ढेर सारी सब ब्रांचेज हैं, मैं दो चार मेंशन कर रहा हूँ बेटा। यही सब चीज़ें हम लोग को अलग अलग चैप्टर में पढ़ना। जैसे मान लो मैं ए बी सी डी से लिखूँ दो चार, और कई आपके क्वेश्चन आ भी चुके हैं, जैसे एपी कल्चर, पीसी कल्चर, नाम सुनते हो कुछ? अरे मार्फोलॉजी एनाटॉमी सुनते हो? मार्फोलॉजी एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, ये सब सुने हो कि नहीं? दीज आल आर सब ब्रांचेज बेटा, सुनेंगे। चलो पहले ए से शुरू कर रहा हूँ, अल्फाबेट से ही मान लो। सपोज करो मैं एल्गोलॉजी लिख दिया, क्या लिख दिया? एल्गोलॉजी किसका स्टडी करोगे? अरे अलगा या एल्गोलॉजी या बताओ किसका करोगे? एल्गी का करोगे? नहीं, लॉजी मतलब क्या होता है? अलगा जैसा ही इसी के बेटा दूसरा नाम भी लिखूंगा। ये क्वेश्चन मैं क्यों लिख रहा हूँ बता दूँ, एल्गोलॉजी लिखता सब बच्चे कर लेते हैं। एक बार एक क्वेश्चन आया, इसी दूसरा नाम फाइकोलॉजी, क्या नाम है? ओ आर, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फाइको। तो फाइको नाम कहीं आया तो इसका मतलब एल्गी समझना। तो आपको बस मैं बताते चल रहा हूँ बेटा, यहाँ पे लॉजी मतलब क्या होता है, कहीं भी बायो माए स्टडी, ये हम लोग जान चुके हैं, सीख चुके हैं। और अलगा जैसे मतलब एल्गी, तो इसमें कोई काम की चीज़ नहीं है, आपको याद ही रहेगी, कभी भूल ही नहीं सकता। बट लेकिन फाइको नाम आया, फाइको मतलब भी क्या होता है? एल्गी। फाइको मतलब भी एल्गी, दूसरा नाम पूछे तो आप ध्यान दें। तो बेटा ये ऐसी ब्रांच है जहाँ पे हम लोग सभी एल्गी की स्टडी करेंगे, अलग से स्टडी ऑफ एल्गी। तो आपको बता दूँ, आपको चैप्टर मिलेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहीं पे एल्गी भी पढ़ेंगे हम लोग। एल्गी प्लांट में आता है कि एनिमल में आता है? कुछ ही लोग, आधे लोग बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, किंगडम प्लांटिंग, प्लांट में आता है। प्लांट का मतलब हरा भरा हुआ, क्लोरोफिल होगा जो भोजन बना ले। इस बार एल्गी से दो क्वेश्चन है, याद आया? मैनिटाल वाली बात याद करो, रिजर्व भोजन वाला बात याद है कि नहीं? मैनिटाल किस ग्रुप में आता है? रिजर्व भोजन कहाँ था? ब्राउन एल्गी में कुछ याद है? मैनिटाल वगैरह। और करेजा आ गए थे, करेजनी, करेजा 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 रा रा से रेड एल्गी। देखो दो दो क्वेश्चन एल्गी साथ, एकदम आसान। तो समझे बेटा, आगे चलते। इसी तरह ए हमने लिख दिया, मान लो ऐसे ए बी सी डी में करते जाऊँ मैं, मेन मेन ब्रांच लिखूंगा। अब आपके कोर्स का लिखूंगा, जैसे एक आता है ब्रांच का नाम है साइटोलॉजी, क्या नाम है? अब जरा सब लोग बताओगे लॉजी मतलब, लॉजी मतलब पहले बताओ, कहीं भी लॉजी ऐसा होता है स्टडी, किसका स्टडी करोगे? बस स्टडी ऑफ सेल। ऐसे मतलब दो चार मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपको आपके चैप्टर कवर हो जाए कि कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। चलो फर्स्ट एनसीईआरटी में एक ब्रांच आएगी मार्फोलॉजी, क्या बेटा? इसमें क्या करोगे? एक्सटर्नल अपीयरेंस, किसका बेटा? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहरी रूपरेखा देखना है। जैसे मान लो जब मैं मार्फोलॉजी पढ़ाता हूँ, प्लांट मार्फोलॉजी अगर पढ़ना है, मार्फॉस का मतलब बाहरी आकार, मार्फॉस मतलब बाहरी, एक्सटर्नल अपीयरेंस, और लॉजी मतलब कहीं भी लॉजी लग जाए स्टडी। तो ये ऐसी ब्रांच होगी बेटा जहाँ पे स्टडी करेंगे हम लोग, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस। कोई बच्चा अगर स्पेलिंग ना समझ में आए पूछ लेगा, हालांकि मेरी स्पेलिंग बड़ी ठीक ठाक है। एक्सटर्नल अपीयरेंस स्टडी करेंगे, तो बाहरी आकार की स्टडी करोगा। सुनना जरा, जब मैंने बोल दिया एक्सटर्नल मतलब बाहरी, बाहरी चीज़ का देख कर स्टडी करना, बाहर की चीज़ें, तो चाहे बाहरी आकार हो चाहे बाहर से उसको स्टडी करना हो। और जैसे मान लो मैं आगे लिख दूँ प्लांट मार्फोलॉजी, तो किसका बाहर से स्टडी करोगे? प्लांट या एनिमल का? अब प्लांट में देखो क्या पढ़ोगे, जब मान लो इस चैप्टर में पढ़ाऊँगा अभी आपको, बहुत ध्यान सुनना। एक पौधा अगर मैं बेटा मान लो ऐसे पौधा उखाड़ लूँ, पौधे को बाहर से मैं देखूँ, सबसे पहले हम देखें, अगर नीचे देखेंगे क्या पौधे में रूट दिखाई देगा? ये स्टेम है कि नहीं? पौधा ऊपर ग्रो करके जा रहा है बेटा, पौधे में पत्ती होंगी कि नहीं? अरे क्या पौधे में बाहर से पत्ती उत्ती नहीं दिखाई देगा क्या? ऐसे ऐसे पौधे में पत्ती दिखाई। कुछ दिन बाद मान लो पौधे में फ्लावरिंग हो गई कि नहीं? कुछ दिन बाद मान लो बेटा इस पौधे में फ्लावरिंग भी हो गई, ये पौधे में ऐसे ऐसे फूल भी खिल गए।
एक पौधा है बाहर से क्या दिखता है, बताओ। जब हम चैप्टर शुरू करेंगे आपको पढ़ाना, क्या पढ़ाएंगे पता है, आप जाकर चेक करना मॉर्फोलॉजी, मतलब बाहरी आकार। अब ये मत सोचना यहाँ पे कुछ लोग उंगली कर सकते थे कि सर पौधे में बाहर से रूट कहाँ दिखेगा, रूट तो जमीन के अंदर होगा ना, रूट कहाँ होगा, जमीन के अंदर होगा ना। लेकिन हम किसके, हम जमीन थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं पौधे का बाहरी आकार, कि पौधे में बाहर बाहर बाहरी तो पाया गया ना, रूट भी क्या है, हमारा पैर भी क्या है, शरीर भी है लेकिन वो नीचे साइड है, पौधों में रूट भी था लेकिन ये रूट कहाँ, जमीन के अंदर। इसलिए बेटा पौधों में ही अगर बाहरी आकार स्टडी करेंगे हम लोग, ध्यान देना बाहरी आकार में जब ये चैप्टर पढ़ेंगे सबसे पहले रूट पढ़ेंगे, देखें यही सिक्वेंस ही फॉलो होगा, ऊपर ये स्टेम है कि नहीं, फिर स्टेम पढ़ेंगे, स्टेम के मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, इस बार भी आया था मॉडिफिकेशन स्टेम वगैरह का, बहुत क्वेश्चन आया बेटा। लीफ पढ़ेंगे ऊपर, लीफ के बाद कुछ दिन फ्लावर बन गया कि नहीं, फ्लावर बन गया, यहाँ फ्लावर के बारे में पढ़ोगे, फिर आप पढ़ेंगे इसी में फ्रूट्स के बारे में, क्या फ्रूट्स दो टाइप, एक फ्रूट का डायग्राम भी आ ही गया था याद करो, कुछ याद आया थैलमस वाली बात, इस तरह से हम लोग को पढ़ना है रूट स्टेम लीफ फ्लावर, ये चीज़ आप ध्यान दो। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब बाहरी आकार देखो, ये चीज़ ध्यान देना है, इस तरह से आपकी कहानी आपको बाहर से पढ़ना है। अगर हम लोग बाहर से पढ़ना हो अपने बारे में, तो अपने बारे में भी आप बाहर से पढ़ोगे क्या क्या हो देखोगे। इसके आगे चलते मान लो एनाटॉमी पढ़ना है, एनाटॉमी क्या पढ़ोगे, इंटरनल स्टडी या बाहर से, एनाटॉमी में क्या करोगे बेटा बताओ, अरे ये तो आता होगा सुने होगी, स्टडी ऑफ व्हाट, इंटरनल स्ट्रक्चर, मान लो इंटरनल स्ट्रक्चर, इसका स्टडी करो, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी हम लोग अगर करेंगे तब जाके उस ब्रांच का नाम हो जाएगा एनाटॉमी। देखो इस तरह से ये भी कहानी हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके मान लो मैं फिजियोलॉजी भी ला दूँ, बिकॉज फर्स्ट एनसीईआरटी की मेन मैं सब ब्रांच लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से करना चुकी बेटा। एनाटॉमी मतलब इंटरनल, ध्यान देना, अगर कोई पौधा होगा तो उसको बोलेंगे क्या, प्लांट एनाटॉमी, हम कोई प्लांट एनिमल नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक जनरल वर्ड पढ़ा रहे, प्लांट एनाटॉमी बोल दिया तो इसका मतलब पौधे का अंदर की स्ट्रक्चर पढ़ना है, एनिमल एनाटॉमी तो उसके अंदर की स्ट्रक्चर पढ़ना है, ह्यूमन एनाटॉमी पहले ही साल एमबीबीएस में ही एक सब्जेक्ट होगा ह्यूमन एनाटॉमी, तो एनाटॉमी जब पढ़ोगे पहले ही साल ही वही सबसे बड़ी दुखदाई होगी, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट, बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है हाथ पैर को, अंदर जैसे चीरोगे ढेर सारे नसों के जाल, आर्टरी वेन, ये सब बहुत दिक्कत देगा, इसलिए उसको एनाटॉमी बोलते हैं बेटा। इंटरनल स्टडी करोगे तब, अगर ये ह्यूमन करोगे तो ह्यूमन एनाटॉमी हो जाता है, एनिमल किसी करो तो एनिमल की एनाटॉमी हो जाएगी, ध्यान दें। ऐसे ऐसे मैं सब ब्रांच पढ़ा रहा हूँ आपको, आपको कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे लिखे रहते हैं, क्या फिजियो, फिजियो लगा कि नहीं, फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स वर्ड यहीं से आया, फिजिक्स, फिजिक्स में आप फंक्शन पढ़ते हो क्या बेटा, मूवमेंट वगैरह जो भी फंक्शन, और लॉजी मतलब क्या होता है समझो भाई, एक ऐसी ब्रांच यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जिसमें 7 चैप्टर ह्यूमन फिलोलॉजी में, 5 प्लांट फिलोलॉजी में। इस फिजियोलॉजी का मतलब होता है बेटा स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी, समझो लिविंग बॉडी का फंक्शन, कैसे हम लोग फंक्शन करते हैं, कैसे हम यहाँ से यहाँ चल के जा रहे हैं, चैप्टर का नाम मूवमेंट एंड, खाना चबाते हो खाते हो याद करो, चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन याद है कि नहीं, अब खाना चबाते हो क्या मैकेनिक्स कुछ काम करते हो, फिजिकल वर्क किया कि नहीं आपने, इसे जहाँ भी फिजिकल वर्क करोगे वो सब चैप्टर किस में आएंगे, फिजियो भाई, काम करोगे नहीं, रोटी तोड़ रहे हो खाना चबा रहे हो, चबाओगे तभी तो अंदर लिगन पाओगे, ये सब वर्ड इसी में, आपके अंदर भी सर्कुलेशन वाला चैप्टर है, हार्ट भी पंप कर रहा है, बार बार काम कर रहा है बेटा, किडनी छान रही बेचारी हर दिन रात काम कर रही है, इसलिए जितने चैप्टर आएंगे जहाँ वर्क वाला काम होगा दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी, याद रहेगा, दिस इज अ वाइटल फंक्शन, चाहे बोलूँ मैं फंक्शन मतलब वही कार, वाइटल में तो जीवित, जीवित बॉडी के अंदर जितने भी काम होते हैं उस ब्रांच का नाम क्या है, और लॉजी मतलब स्टडी, उनको स्टडी करना, एक लाइन लिख रहा हूँ मैं ख़त्म कर रहा हूँ, स्टडी ऑफ वाइटल फंक्शन या लाइफ रिलेटेड फंक्शन लिख दूँ सबसे आसान लगेगा, स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ से जुड़ी फंक्शन। अब आपको देखो एकदम सिंपलेस्ट वर्ड मैं बता रहा हूँ बेटा, ये फिर दोबारा कभी साल भर नहीं बताया जाता है, स्टडी ऑफ लाइफ रिलेटेड फंक्शन, जीवन से जुड़ी जो बातें उनका फंक्शन, अगर ये फंक्शन बेटा सुनना ह्यूमन का है तो नाम क्या हुआ, ह्यूमन फिजियोलॉजी, और पौधों के बारे में पढ़ोगे तो नाम
अब सुनो, जैसे पौधे में पानी कैसे अब्जॉर्ब हुआ, प्लांट वाटर लेसन याद है? इस बार तीन क्वेश्चन आए, प्लांट वाटर लेसन याद है, एपोप्लास्ट, वाटर पोटेंशियल, कुछ याद आया? कुछ भी मिला हुआ घटेगा बढ़ेगा, सब नोट्स छप किया, वाटर पोटेंशियल याद है कि नहीं? कुछ भी ऐड करोगे वाटर पोटेंशियल घटता है, ये भी क्वेश्चन हमको याद है तीनों का, भी मैं वही छाप रहा था, देख रहा था कहाँ से कितने आए। तो आपको ये पूरी कहानी समझेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी में भी पौधे कैसे खाना बनाते हैं, फिजियोलॉजी में ही तो पढ़ते हो, फोटोसिंथेसिस, चैप्टर का नाम क्या, फोटोसिंथेसिस, पौधे सूर्य की लाइट की सहायता से क्लोरोफिल या पानी और इन सब की सहायता से CO2 प्रेजेंट क्या बना दिया, भोजन। पौधे में पानी कैसे भाप बन उड़ता है, प्रोसेस नाम ट्रांसपिरेशन, क्या नाम है, वाष्पोत्सर्जन, सुने हो कि नहीं? ये बेटा पौधों के वर्क कर रहे हो, ये फिजियो मतलब इसका फंक्शन, जो भी है फिजिकल वर्क फंक्शन, लाइफ से जुड़ी जितनी फंक्शन वाली चीज़ें हैं फिजियोलॉजी में करते हैं। इस तरह मैं पहली NCERT के कुछ चैप्टर की जो ब्रांचेज हैं उसको लिखा हूँ, आते हैं मान लो एक आध दो नाम सेकेंड NCERT कुछ सब ब्रांचेज, और सबसे ज़्यादा जैसे मान लो मैं पहले NCERT के बाद सेकेंड वगैरह देखें, एक आध दो नाम ही करेंगे फिर हम लोग एंड करेंगे। जैसे मान लो रिप्रोडक्शन में जायगोट के बाद इम्ब्रियो बनता कि नहीं, इम्ब्रियोलॉजी में किसका स्टडी करोगे, अरे किसका स्टडी, इम्ब्रियो का स्टडी करना, कैसे इम्ब्रियो में पहले, इसी बार क्वेश्चन आया था, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, जायगोट से पहले कैसे मारुला बना, ब्लास्टुला गैस्टुला सुने होंगे, पहले साल में बच्चे कौन सा पार्ट बनता है बॉडी का, पहले महीने में कुछ हार्ट बीट वगैरह याद आया, आफ्टर वन मंथ के बाद हार्ट बीट सुनेंगे, कैसे कैसे और भी ऑर्गन बनते चले गए, बउआ जो भी था अंदर पल रहा था फिटस, कब वो अंदर अंदर मूवमेंट करता है ड्यूरिंग 5th मंथ, ये सब बातें इम्ब्रियोलॉजी में आते हैं बेटा, स्टडी ऑफ इम्ब्रियो का स्टडी करोगे। चलो सबसे बड़े ब्रांच पे चलते हैं हम लोग, जेनेटिक्स, बहुत ही भौकाली, इससे बड़ा परेशान रहते हो आप लोग, बहुत ही आसान है टॉपिक, पढ़ेंगे हम लोग, ये भी सब ब्रांच है भैया बायो का। एक चीज़ और सुनना, हर जगह लाजी ही नहीं लगता है, फिर लोग सोच रहे हो हर जगह लाजी लग जाए तो काम आसान हो जाए, मार्फोलाजी साइटोलाजी तब तो आसान हो जाता है ना, जरूरी नहीं हर जगह लाजी ही लगे, अब जेनेटिक्स में लाजी नहीं लगा है, अब यही टफ हो जाएगा, कहोगे अब कैसे डिफाइन करो, देखो अब तक डिफाइन हो जाता है, व्हाट इज जेनेटिक्स, चलो स्टडी आप जीन्स तक पहुँचे, मैं जीने की स्टडी करोगे, अनुवांशिकता नाम सुने हो, अनुवांशिकता तो सुने होगे, मम्मी पापा से आधा जीन बच्चों में आया जो भी आया, तो अनुवांशिकता बोलना है क्या बेटा, हिंदी सुने होगी नहीं, तो बेटा दो चीज़ के कम्बो पैक, हेरिडिटी प्लस वेरिएशन, हम लोग भी विविधता आता कि नहीं, जीन में म्यूटेशन हो जाए बदलाव आ जाए तब भी उस इसी में आएगा, तो जेनेटिक्स जानते रहेंगे क्या इंक्लूड करते हैं बेटा, ये दो चीज़ का मिलन से बना है, इसके अंतर्गत दो चीज़ पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, अब स्टडी मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, इट इंक्लूड्स हेरिडिटी वंशागत जो चीज़ें चलती हैं एंड वेरिएशन, क्या बेटा ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, हेरिडिटी को ही बेटा जानते हैं, इनहेरिटेंस नाम सुना है कि नहीं, हाँ वही वंशागत होके करेक्टर का मम्मी पापा का आधा करेक्टर बच्चों में आना, ये चीज़ समझो, कुछ चीज़ें आप नहीं बता पाते हैं समझे, बिकॉज ये चीज़ें हम लोग लॉजी नहीं लगे इसलिए टफ लग रहा है, तो जेनेटिक्स में ये सब पढ़ें, चाहे मेंडलिज्म हो चाहे नॉन मेंडलिज्म, और लास्ट में आते बेटा फिर से यहीं पर हम धीरे धीरे ख़त्म करें आपकी ब्रांचेस, इकोलॉजी जैसे आया, लॉजी मतलब जरा बताओ सब लोग, अब यहाँ तो थोड़ा बहुत सोचो, लॉजी मतलब स्टडी, इधर सुना इधर, लेकिन लग गया क्या, इकोलॉजी, आजकल बोलते हैं इको फ्रेंडली वर्ड बहुत आता है, इको मतलब इन्वायरमेंट, क्या बेटा अब किसी लिविंग बॉडी सुनना इन्वायरमेंट से क्या इंटर रिलेशनशिप है उसको बेटा कहाँ करेंगे, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट से, जैसे इस बार पीडिएशन से दो क्वेश्चन आए, इकोलॉजी पहला चैप्टर याद करो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, कौन था पहले चैप्टर का नाम, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और दो क्वेश्चन पीडिएशन के थे, और ऐसा था इसमें 4-5 लाइन क्या बस केवल बुद्धि यूज करना था, इस बार की बाली जो भी थी बुद्धि वाली थी, एक जगह पीडिएशन आया, दूसरे में भी लिखा था छोटा क्वेश्चन दो भी पीडिएशन था, दो दो क्वेश्चन आ गए, और ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से 4 क्वेश्चन थे, आधे लोग बोले दो दो क्वेश्चन, चौथा चार और 4 क्वेश्चन मैं आपको गिनाऊंगा वहाँ से, ये कुछ याद करो, फ्रूट फ्लाई वगैरह हाउस कुछ मर गई थी, डेथ रेट या कुछ आया था कि नहीं निकालने के लिए, वो भी एकदम आसान था, तीसरा क्वेश्चन वहीं का माना जाएगा, ऐसे करके 4 क्वेश्चन थे लगभग, तो आप आए बेटा इकोलॉजी मतलब जानते रहेंगे बेटा, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप लिविंग बॉडी के किसके रिस्पेक्ट में, इन्वायरमेंट, क्या बेटा इको मतलब जस्ट समझना आप इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, मैं पूरा यहाँ लिख नहीं रहा हूँ इतना जान रहे हो, इको मतलब क्या समझना,
तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ रिस्पेक्ट टू, जानते रहेंगे स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड जोड़ रहा हूं एंड इंटर रिलेशनशिप एंड इंटर रिलेशनशिप विथ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से क्या रिश्ता है विथ एनवायरनमेंट, बस आप एनवायरनमेंट जानो, आपको ये चीज जब हम लोग पढ़ेंगे तो अपने आप हो जाएगा। इको मतलब क्या समझेंगे, एनवायरनमेंट, और लॉजी मतलब स्टडी, और जितने भी लिविंग बॉडी से स्टडी हम लोग को एनवायरनमेंट से क्या रिश्ता है, मतलब एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, आगे पढ़ाएंगे। दो टाइप के फैक्टर, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। अरे सूर्य का लाइट का फर्क पड़ता है कि नहीं हमारे ऊपर, याद करो, जहाँ गर्मी हो जाए ज़्यादा कभी कभी, कहीं कहीं ठंडी ज़्यादा पड़ रहा है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है बेटा। कुछ ऐसे पौधे हैं जानते रहना, बहुत ज़्यादा जहाँ लाइट होती है वहाँ पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ लाइट नहीं, छाए में पाए जाते हैं, ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर है। कुछ ऐसे पौधे होंगे जो हाइड्रोफाइट बोले जाते हैं, याद करो, हाइड्रोफाइट सुने हो, जो जल में पाए जाते हैं, जलकुंभियों में सुने हो कि नहीं, हाइड्रोफाइट। कुछ मरुस्थल में पाए जाते हैं उसका नाम जीरोफाइट, जीरो मतलब जहाँ ड्राई कंडीशन है, पानी कम है। ये सब किसका फ़र्क आ रहा है, ये इन्वायरमेंट किसका फ़र्क है। तो आप देखो कितना आसान है, आप ये यही सब चैप्टर, हम ये चैप्टर गिना रहे हैं आपको, और अंत में कौन सी यूनिट पढ़ते हैं कक्षा 12 में, इकोलॉजी, क्लास 12th की NCERT में सबसे लास्ट में कौन यूनिट पढ़ोगे, इकोलॉजी, चार चैप्टर। अभी तक मैं केवल आपकी NCERT की ब्रांचेज के नाम पे बस गिना रहा हूँ कैसे कैसे पढ़ना है। ऐसे करके ये सब ब्रांचेज हम लोग जो भी हैं इसको इंक्लूड करेंगे बेटा। ये सब जितना टॉपिक था, दीज ऑल आर कम्स अंडर किसमें आता है, ये इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाया किसमें, तो इंट्रोडक्शन आप बायोलॉजी में कुछ अलग से नहीं आता है, जो चीज़ें आपको पूरे साल भर पढ़ते हैं उनका शॉर्टकट अगर डिस्क्रिप्शन हम बता दें, दैट इज कॉल्ड एज क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। जितना पढ़ें तुरंत देखेंगे, पहले दिन हम लोग कम ही पढ़ेंगे, कोई डाउट हो तुरंत पूछें आप, फटाक से देखें जितने लोग शुरू से पढ़ें।